Hi dear friends, this is Kalpana, first year MBBS student. So guys, आज का संडे का होने वाला है व्लॉग, माई मॉर्निंग रूटीन ऑफ संडे इन हॉस्टल लाइफ. अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को. सो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हो रही है सुबह का 8 AM और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि आज संडे को मैं डिसाइड की हूँ कि मैं सबसे पहले अपना रूम, जो काफ़ी ज़्यादा मेसी हो चुका है 2-3 दिनों से, उसको पहले अरेंज करूँगी और उसके बाद थोड़ा स्किन केयर पे भी करूँगी. और रात में हमारे साइड थोड़ा हल्की बारिश हुई थी जिसके वजह से वेदर काफ़ी ज़्यादा ठंड सा हो रहा है, धूप काफ़ी लेट से निकला है. और ये है हमारे बालकनी का व्यू जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है. शुरू में हमें 6th फ्लोर पे बहुत ज़्यादा डर लगता था, शुरू के 2 से 3 महीने मैं बालकनी में जाती नहीं थी, पर अभी के लिए मेरे लिए ये सबसे कंफर्ट जोन हो गया है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है. सो बिफोर टेकिंग बाथ आई डिसाइडेड टू अरेंज माई रूम. और ये जो बकेट है वो काफ़ी मैचिंग हो रही है मेरे से. जोक्स अपार्ट, मैं अपने रूम में आ चुकी हूँ अपना रूम सारा अरेंज करने. और आज जो है हमारा मेस में वो खाना, यानी कि जो संडे का ब्रेकफास्ट होता है, वो काफ़ी मेस में लेट से मिलता है. और या तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल अरेंज माय टेबल, स्टडी टेबल, एंड देन आफ्टर बेड, ब्लैंकेट वगैरह. जैसे ही मैं डिसाइड की थी कि अपना सारा ब्लैंकेट वगैरह अच्छे से धो के रख दूँगी क्योंकि अब समर डेज आ चुके हैं, वैसे ही वेदर चेंज हो गया अचानक से. एनीवेज, तो आज मैं डिसाइड की हूँ कि पूरा दिन होगा मेरा संडे वो थोड़ा प्रोडक्टिव होगा, बिकॉज मार्केटिंग करना था वो हम लास्ट डे ही कर लिए सैटरडे को. तो ओवरऑल जो हमारा काम था वो सब हम लोग सैटरडे को ही निपटा चुके हैं. तो आज का पूरा दिन है हमारे पास और सिर्फ अपने लिए है. सो जितना ज़्यादा मैं प्रोडक्टिव बना सकूँ आज का दिन. अब मैं ब्रश करूँगी क्योंकि मुझे मेस में जाकर ब्रेकफास्ट भी करना है और वो फिक्स टाइम होता है, अदरवाइज़ उसके बाद खाना ख़त्म हो चुका होता है या फिर मेस ही बंद हो चुका था, कोई भी नहीं होता तो फिर मन भी नहीं लगता. हाँ, तो अभी फर्स्ट ईयर में बहुत मज़ा आ रहा है, हम सब साथ में ही ब्रेकफास्ट करते हैं. सेकेंड ईयर का मुझे नहीं पता कि क्या होगा और इसके बाद का क्या होगा. आई विल कीप अपडेटिंग यू. So I started my morning with warm water. Guys, this is special advice to all of you कि कोई भी चीज़ डायरेक्ट खाना खाने से पहले मॉर्निंग में आधा से एक घंटे पहले आप पानी पीने का आदत लगा लो, बिकॉज ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक के लिए अच्छा होता है. डायरेक्ट फूड इंटेक करने से हमारे जो वो मसल्स होते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक के, उनमें काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ता है. तो गाइस, हमारा जो मेज़ का फूड होता है वो काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी होता है. सो आई ऑलवेज ट्राई टू ऐड सम हेल्दी स्टफ, बट वो डेली के डेज में मतलब उसको फॉलो कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि हम जैसे तैसे कॉलेज भाग जाते हैं. पर आज और सैटरडे को हम सब गए थे मार्केटिंग, जिससे हमने काफ़ी ज़्यादा 1 वीक का पूरा फ्रूट से ही खरीद कर लेकर आ गई. बीच में हमें कॉलेज से छुट्टी नहीं मिलता है जाने के लिए मार्केट. और जो हमारा फेस का सॉरी मेस का जो फूड है, दैट इज़ जस्ट फॉर आवर सर्वाइवल. तो सेकेंड और थर्ड ईयर से मैं देखूँगी कि मुझे क्या करना है. आई विल कीप अपडेटिंग यू. बट so this was all about my Sunday morning in my hostel room. I hope you liked it. So please subscribe to the channel guys. So, क्योंकि subscribe नहीं करने के वजह से मेरा channel का थोड़ा algorithm कम हो रहा है. और anyways, आज है Sunday तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा time हो बच रहा है, तो आज मैं थोड़ा lecture करूँगी और थोड़ा सब topics cover करूँगी क्योंकि हमारा exam आने ही वाला है guys. 20 से 30 डेज बचे हुए हैं बस. थैंक्स फॉर